Welcome, gentlemen. And ladies, now we'll be moving to the creating, doing, and developing OER and MOOCs. Now, first of all, we will focus some things. एक बार मैं आपको ये बता दूं कि MOOC हर मर्ज की दवा नहीं है, ठीक है? मैं बता दूं आप, क्योंकि कई जगह तो ठीक है, ये चलेगा, लेकिन जो बहुत तेजी से एडवांसमेंट वाले फील्ड है वहां नहीं चलेगा, isn't it? आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को नहीं पढ़ा सकते, बेसिक पढ़ा सकते हैं फंडामेंटल, लेकिन जहां एडवांसमेंट हो रही है वहां ये क्लिक नहीं करेगा. सो MOOCs आर वेरी गुड फॉर deliver content that will remain reasonably static for a period of time, like laws of physics. Okay? Leverage multimedia can be studied as one's own, motivated students. उनके लिए सही है, वहां हो सकता वहां तक सही है, या उससे रिलेटेड जहां भी ये फिट होती है तीन चार चीजें. And minimizing cost of delivery, scaling the classroom size. It can be done. Okay? For these, MOOCs are good. यानी फॉर सिंपल क्लासरूम, अगर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए वो ठीक हो सकता है. बट जैसा कि मैंने बताया, MOOCs कैन नॉट बी. आई एम वर्किंग विद सम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पीपल इन द BRC इन अवर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इन विच वी आर डीलिंग विद द स्मॉल एंगल न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एंड डूइंग अवर एक्सपेरिमेंट्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर. I cannot develop the small angle neutron scattering MOOC. कितने लोग होंगे काम करने वाले उसमें? पूरी दुनिया में सेलेक्टेड लोग हैं. तो मैंने कहा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, अगर वो मैसिव रहेगा ही नहीं तो वो MOOC नहीं हो सकता. Isn't it? तो मुझे टारगेट ऑडियंस देखना है, ज्यादा से ज्यादा टारगेट. देखिए साहब, एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं आप, पूरी स्ट्रेटेजी वही लगेगी. यहां मुझे लगा, मेरे का इग्रू जो है, मैरी और मेरी वाइफ ने MBA भी किया. MBA नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड नहीं था हमको, अपनी स्टडीज के साथ किया, वो भी इग्नू से. मरते पढ़ते आपको पता ही होगा इग्नू से कैसे कोर्स होता है, जैसे तैसे, मतलब फिर भी एट एनी हाउ 4.5 years में हमने कंप्लीट किया MBA, एंड दैट टू फ्रॉम द टफेस्ट स्पेशलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट. अब लगता है कि हाँ, वो नॉलेज काम आ रहा है. मतलब कहते ही नॉलेज कहीं बेकार नहीं जाता है कोई भी चीज. वो अब हम सीख रहे हैं कि हाँ, प्रोडक्ट कैसे डेवलप करना होता है, उसको इनक्यूबेट कैसे करना है, उस आइडिया को उसकी मार्केटिंग कैसे करना है, उसको प्रोजेक्ट को कैसे डिजाइन करना है, दैट वो नॉलेज हमारा अब काम आए. तो लगता था यार थामा का माथा फोड़ी किया बोला, लेकिन हाँ अब लगता नहीं यार कुछ किया था ढंग से, वो चीज काम में आ रही. बट आई मीन टू से कि MOOCs कैन नॉट बी द मेडिसिन ऑफ एवरीथिंग, इट कैन नॉट बी पैनेसिया. तो MOOCs आर नॉट वेरी गुड फॉर डिलीवर कंटेंट दैट नीड्स टू बी अपडेटेड फ्रीक्वेंटली, विच आर अप्लाइड इन नेचर, नॉट मच थ्योरी, एंड लर्निंग दैट रिक्वायर्स इंटरैक्शन, एंगेजमेंट, डिबेट्स एंड डिस्कशंस. जो उसी के बेस्ड है चीज, उसको हम मुंह से नहीं कर सकते सर, क्योंकि एंगेजमेंट मेरा जो वर्चुअल होता है ना, वो कितने देर करूंगा मैं लाइव इंटरेक्शन. यूट्यूब में भी चला गया लाइव, कितने देर जालोगे? आधा घंटा, मैक्सिमम एक घंटा, नॉट मोर देन दैट. अगर आप वर्चुअल व्हाट्सएप चैटिंग की भी बात कर रहे हो, कितनी देर कर दोगे? कितनी देर आप डिस्कस करेंगे? जितनी जो जो नॉलेज उसी से निकल के आना है, उसमें मुंह फिट नहीं बैठता. Before you start, सबसे पहली बात, अगर आप MOOC डेवलप करना चाहते हैं, enroll for a few MOOCs and complete them. खाली करना नहीं है सर, कंप्लीट करना है हर पर्सपेक्टिव में उसको, उसको करके देखिए.
नदी नालों में तैरना सीखने वाले समुंदर में तैराकी करना डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते सर, आपको करना पड़ेगा, थोड़ा तैयारी तो करनी पड़ेगी, और पता तभी चलेगा ना सर जब हम कुछ करेंगे। फ्रीज योर कंटेंट, देन फ्रीज योर कंटेंट, वट एवर यू नो, आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, देन फ्रीज इट, कन्वर्ट योर बेस्ट इन क्लास कोर्स टू मूक। एमएससी मैं भी कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट में हर एक टीचर अपना एक सेमेस्टर का एक क्लास को रिकॉर्ड करके इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में कॉन्ट्रीब्यूट करें। यार एक क्लास तो पढ़ा सकते हो एक सेमेस्टर में, जो फ्लुएंटली आपको आती होगी अच्छे से, एक क्लास एक टीचर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो हमारी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी कैसे हो जाएगी, हर सेमेस्टर में एक रिपोर्ट करें, अपना आप ऐसी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बन जाएगी जो एग्जाम्पलरी होगी। So, how can you make the class engaging? Think learning and not teaching. कहना हरियाणा में बोलता है कि भेज दिया पढ़ने, मतलब आप पढ़ने को क्या बोलते हैं, मतलब वो पढ़ा लिया बोला उसे, तो मतलब पढ़ा लिया मतलब कि मतलब टॉर्चर करना, मतलब सरकैज़म में यूज होता है। हाँ हाँ हरियाणा में होता है, वैसे अगर कोई हरियाणा का अगर कोई हो तो वो बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं आ रहा, भेज दिया पढ़ने बोले ना, कुछ क्या बोलते सर, कुछ ऐसा ही सरकार में यूज था, मेरे एक मित्र था है क्या सर, कुछ ऐसा होता है, मतलब उस तरह के सरकार में यूज करते हैं उस चीज को कि मतलब क्या है, पढ़ा दिया लाइक दैट, तो पढ़ाना नहीं है सर, वो टीचिंग एंड लर्निंग करनी है, टू वे इंटरेक्शन करना। जब हम खाली ज्ञान देने के लिए लेक्चर दे रहे हैं, ज्ञान देना, सत्यनारायण की कथा तक चलेंगे ना तो वो कथा ही रह जाएगी, तभी तो सत्यनारायण की कथा बार बार करनी पड़ती, क्योंकि वो कभी लर्निंग नहीं होती, कथा ही होती है। Don't fill up the spaces by non-value added features like group discussion. Student will know and will get, you know, student is the best judge of teacher. He knows or she knows where the teacher, when the teacher has not come prepared. जानते हैं आज गुरुजी पढ़ के नहीं आए बोला, आज तो time pass हो रहा है। Of course, आप कितना भी कर लीजिए भाई, student जानता है। और मूक के केस में अगर हम खाली में दो आदमी को बिठा दो group discussion interview जैसा, और मैं कहूँ एक module बना लो, तो इट्स जस्ट पासिंग द टाइम। तो डोंट फिल अप द स्पेसेस विद द नॉन वैल्यू एडेड थिंग्स। नाउ डूइंग द मूक्स, अब डूइंग मूक्स केवल केवल डूइंग नहीं है, किन किन चीज की डूइंग है, गो थ्रू ऑल द कंटेंट्स, वीडियो, टेक्स्ट एंड फर्दर लिंक्स। सारे वीडियो पूरी तरह से देखिए, टेक्स्ट जितना है पूरी तरह से देखिए, फर्दर लिंक्स, जो फर्दर लिंक्स है दिए गए हैं वो सोच समझ के डाले जाते हैं कि इसका इतना पढ़ लिया, बिकॉज एक्चुअली क्या है, वी आर कैटरिंग विद द डाइवर्स लर्नर्स। तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि आई कैन पुट ऑल द एडवांस थिंग टू शो माय एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, अपना पांडित्य घोषित करने के लिए, मैं उस चीज को प्रूफ करने के लिए कि मैं विद्वान हूं और ऐसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में प्रेजेंट करूं और उसको सारे हाई फाई फंडास लेटेस्ट चीज को इंक्लूड करूं, पर मैं कम्युनिकेशन और ट्रांसलेशन ऑफ नॉलेज उसको भूल जाऊं, दैट इज रॉन्ग। फर्स्ट क्लियर द बेसिक्स, गिव द एवरेज थिंग्स एंड गिव द एडवांस थिंग्स इन फर्दर लिंक्स, अदरवाइज यू वोंट कैटर द ग्रुप ऑफ लर्नर्स एक्चुअली विच इज मेंट फॉर। भाई साहब जो सियाड़ा आदमी है वो तो कहीं भी पढ़ लेगा, वो तो कहीं भी कर लेगा, आपको एवरेज बच्चों को, एवरेज लर्नर को कैटर करना है। This is the thing. भाई साहब 2-3% जिस पे हम दावा करते हैं, अरे हमारे बच्चे ने नेट क्वालिफाई कर लिया, तुम साल भर नहीं भी पढ़ाते ना तो भी वो कर लेता, टू बी वेरी ट्रू, टू बी वेरी ट्रू। जिसने पढ़ना है वो कहीं भी लेके, मद्दा तब है जब आपका एवरेज स्टूडेंट जो हमेशा 50% से बिलो स्कोर करता है उसको नेट क्वालिफाई करके दिखाओ, वहां मद्दा। What I mean to say, to cater the diverse need, cultural need, sir. जब मैं मूव पे हमने डेवलप किया तो हमारे क्या कहते हैं, शिक्षक को दंड प्रणाम करने का साइन होता है कि हमने कहा कि फोकस टू द रीडर, तो हमने रीडर को दिखाया, रीडर में उसमें माथा टेका। लेकिन व्हेन वी सॉ, ये हमने बना रखे थे वीडियो में, है ना, व्हेन आई सॉ माय डाइवर्स लर्नर्स व्हिच वर स्प्रेड अक्रॉस द 85 कंट्रीज, वहां ऐसा नहीं होता, मुझे लगा कि इंटरनेशनल जो फ्लेवर है उसमें फिट नहीं बैठेगा, मैंने वो जो कार्टून था वो वहां से चेंज किया। इट मीन्स कल्चरल नीड, कल्चरल प्रिफरेंसेस को रिगार्ड करना पड़ेगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी है जो किसी के कल्चरल प्रिफरेंस को अफेक्ट करती हो या उसको समझ में ही ना आती हो, समझ में
भाई मेरा मतलब क्या, मैं तो साइन दे रहा हूं उसको करने के लिए, वो समझ में नहीं आती या फिर कोई गलत मीनिंग चला गया. बिकॉज इट इज नॉट मेंट फॉर ओनली गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इट इज नॉट मेंट ओनली फॉर नॉर्थ इंडिया, इट इज मेंट फॉर ग्लोबल. ये हमारा ग्लोबल परसेप्शन है सर. देखिए गलतियां हो सकती है, ये मैं नहीं मानता कि मैं नहीं समझता कि किसी भी मूव में कोई गलती नहीं होती. टू एर इज ह्यूमन, गलतियां होती हैं, ठीक है, गलती सुधारी भी जाती है और हम वेलकम करते हैं कि हाँ ठीक है आपका लेक्चर क्या बहुत बड़ी. कई बार हमारे भी मिस्टेक्स, इट हैपेंस, कई बार स्लाइड्स में मिस्टेक हो जाती है, कई बार जो है टेक्स्ट में मिस्टेक हो जाती है, कुछ चीज रह जाती है जब हम सेटिंग करते हैं उसकी, तो जो दूसरी टीम जो सेटिंग कर रही है गड़बड़ हो जाता है. हम ग्रेसिस पे एक्सेप्ट करते हैं और तुरंत उसको चेंज करते हैं और उसे थैंक्स कहते हैं. दिस इज द वे वी डू इट, है ना. प्रोग्रेसिव लर्निंग, वी लर्न फ्रॉम अवर लर्नर्स. ये लर्निंग है. अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो इट डजंट मीन दैट आई एम ए टीचर, आई एम ऑल्सो ए लर्नर हु इज लर्निंग द थिंग फ्रॉम ए वाइड वैरायटी. मेरी लर्निंग ज्यादा एनरिच है, मेरा स्वार्थ है. मुझे तो इतने लोगों से लर्न करने को मिल रहा, वो तो एक ही आदमी से लर्न कर रहे हैं, मुझे इतने लोगों से लर्न करने को मिल रहा है. दिस इज वंडरफुल लर्निंग. सो अटेम्प्ट टेक पार्ट इन द डिस्कशन फोरम, पीयर लर्निंग. दूसरी चीज डिस्कशन फोरम. डिस्कशन फोरम मूक में प्लेटफॉर्म में क्या था, उसका पहला रूल क्या है, जो आस्क क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं हम उसमें तो डिस्कशन फोरम खुलता है. फर्स्ट यू गो थ्रू, बिफोर पुटिंग योर क्वेरी यू गो थ्रू व्हाट एवर हैव बीन डिस्कस्ड. जैसे व्हाट्सएप में करते हैं ना, हम करते हैं ग्रुप में जब होता है ना, बहुत सारे होते हैं यारी दोस्ती में जो पता चले 150 जो है क्राइटेरिया, 150 का डिस्कशन हो रखा है चैट आर, अरे यार उसका क्या हुआ, तो पीछे से जो है यार दोस्तों में तो गालियां पड़ती है. अच्छा इसका मतलब तूने देखा नहीं, हम झक मरा रहे थे क्या अब तक, दैट काइंड ऑफ थिंग नहीं होता. तो पहला रूल क्या है डिस्कशन फोरम का, जो डिस्कशन हो चुका है ना उसको आप गो थ्रू कीजिए कि क्या हुआ. आपको आधी से ज्यादा अपनी क्वेरी वही आंसर्ड हो जाएगी. अब कोई नई क्वेरी है देन पुट इट, ओके. और अगर आपको कुछ चीज आती है यू कैन ऐड द थिंग्स. इट इज नॉट ऑल अबाउट, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कोर्स कोऑर्डिनेटर का कि वही रिप्लाई करेगा. इट्स ए पीयर लर्निंग सर, ग्रुप लर्निंग. आपको कोई चीज आती है यू कैन पुट सर दिस कैन बी हैपन. देखिए मैं पढ़ा रहा हूं मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, जैसे आपने कॉपीराइट पे जवाब दिया उसमें जवाब दिया, आप उसमें ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो यू कैन पुट दूसरे लर्नर की क्वेरी को आप कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड पीयर लर्निंग. डिस्कशन फोरम इज मेंट फॉर दिस. इट इज नॉट ए केवल टू वे इंटरेक्शन, ये मल्टी वे इंटरेक्शन है. सारे ग्रुप के जो लर्नर थे वो आपस में ग्रुप स्टडी करते हैं, उसको फायदा पहुंचाइए और उसको देखिए उसको चलाना कैसे है. डिस्कशन फोरम, हमने डिस्कशन फोरम में सबसे ज्यादा मेहनत किया, दैट्स व्हाई हमारे कोर्स में ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया. हमने अपने एफर्ट्स वहां दिए हैं पूरे, जहां लोगों के डिस्कशन फोरम में जो थ्रेड है क्वेरीज है वो 50-100 है, हमारे यहाँ हजारों है, हजारों. टेक पार्ट इन लाइव इंटरेक्शन, अटेम्प्ट ऑल अनग्रेडेड एंड ग्रेडेड क्विज. जिसे क्विज है उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए. होता है क्या, एमसीक्यूज होते हैं 10 क्विज, टक 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 आपने करना है आंसर जो आपने उसके बेस पे है. और डोंट नेवर ट्राई टू डू द क्विज विदाउट गोइंग थ्रू द कंटेंट. कई बार खाली अटेम्प्ट करने की, मुझे कोर्स कंप्लीट करना, हम कर देते हैं क्या है, कर दो कुछ नहीं जाना. नहीं आप कीजिए, तभी तो आपको पता चले करना कैसे. अगर आपकी ये इच्छा है कि मैं डेवलप करना चाहता हूं, तो आपको ये देखना है कि क्विज के क्वेश्चन कितनी तरह के हैं. रिकॉल लेवल क्वेश्चंस, एसिमिलेटिंग क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चन, थ्री फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू विल हैव टू डिजायर. मैं उस अंदाज से बोल रहा हूं कि आप करना चाहते हैं डेवलप, तो आपको क्विज खाली ये नहीं बोलनी है कि खाली क्विज करनी है, 2 2 जा ठीक है ये हो गया, इसमें फिर पूछ लिया 3 2 जा, एक बार फिर दूसरी बार पूछ लिया 2 3 जा. दिस काइंड ऑफ क्विज इज जस्ट पासिंग द टाइम. ऐसा नहीं, आपको क्विज के लेवल बनाने पड़ेंगे जो कि रिकॉल लेवल होंगे. मतलब जस्ट की भाई 2 2 जा कितना होता है वो पूछा आपने, ठीक है, कुछ एनालिटिकल पूछा. तो इन तरह के जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है दे शुड कैटर द नीड ऑफ द डाइवर्स लर्नर्स. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा स्मार्ट बच्चे ही दे पाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एवरेज देंगे, कुछ बिलो एवरेज देंगे. इस तरह के आपको क्वेश्चन डिजाइन करना पड़ेगा. क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पेपर सेटिंग होती. टेक पार्ट इन लाइव इंटरेक्शन. जब का लाइव इंटरेक्शन हो रहा है यूट्यूब में या किसमें, लाइव इंटरेक्शन करते हैं हम लोग, यूट्यूब स्ट्रीमिंग करते हैं. हमने सबसे ज्यादा यूट्यूब स्ट्रीमिंग की, 7 लाइव वेबिनार्स विद डेट, जिसमें कि हमारे हजारों हजार लोग कई देशों से हमारे साथ जुड़े और लाइव इंटरेक्शन हमारे यूट्यूब में किया लर्नर्स के साथ. तो अगर लाइव इंटरेक्शन होता है उसमें, तो उसमें जरूर पार्ट करें. फॉलो द अनाउंसमेंट. अनाउंसमेंट जो है कोर्स कोऑर्डिनेटर अनाउंस करता रहता है चीजों को कि भाई आज ये आया है, आज ये वाला वीक लॉन्च हो गया, तो कुछ कुछ अनाउंसमेंट आते, तो अनाउंसमेंट जरूर देखें. ऑब्जर्व द क्राइटेरिया ऑफ पासिंग. पासिंग का क्राइटेरिया देख लीजिए. पता चला सब्जेक्ट असाइनमेंट मैंडेटरी था और वो आपने किया ही नहीं, तो यू विल लूज द थिंग. आपको ये भी देखना है कि क्राइटेरिया ऑफ पासिंग वो किस तरह से रख रहा है, आप देखिए उसको ऑब्जर्व कीजिए.
सब्जेक्टिव असाइनमेंट ज्यादातर ऑब्जेक्टिव होते हैं जो जुड़ते हैं, जैसे 15 वीक का कोर्स बनाया तो 15 ऑब्जेक्टिव है और उसने 2 सब्जेक्टिव असाइनमेंट दे दी। सब्जेक्टिव असाइनमेंट को चेक करना अपने में एक टिपिकल टास्क है। एग्जाम रजिस्ट्रेशन, जब भी एग्जाम रजिस्ट्रेशन हो टाइम पे पता चला पूरी मेहनत करी एग्जाम रजिस्ट्रेशन की डेट चली गई। कई बच्चे हमारे साथ ऐसा हुआ, यू विल हैव टू बी विजिलेंट कि एग्जाम रजिस्ट्रेशन की फाइल साइट जो है कब ओपन होने जा रही है। यू विल हैव टू रजिस्टर एट दैट टाइम एंड देन मीटिंग द डेडलाइंस एवरी टाइम। क्विज लास्ट डेट ऑफ क्विज सबमिशन क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। ये आपको तभी पता चलेगा व्हेन यू विल एनरोल योरसेल्फ इन अ पर्टिकुलर मूक एंड कंप्लीट अ मूक। नहीं तो आप आधे अधूरे की तैयारी के साथ जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कतें आएगी। नाउ लेसन बिफोर यू स्टार्ट थिंक मॉड्यूलर सो दैट वन कैन रिकॉन्फिगर। चूज द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जैसे कि बताया हमने सब्जेक्ट वाइज चलना चाहते हैं कि मल्टीडिसिप्लिनरी चलना चाहते हैं, सब्जेक्ट के कौन से पोर्शन को कैटर करना चाहते हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका टारगेट लर्नर क्या है। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई इन द वेरी बिगनिंग। इम्प्रॉम्प्टू स्लाइड्स आर बैकग्राउंड नोट्स, स्लाइड्स आर बैकग्राउंड नोट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, ऑल दीज थिंग्स यू विल हैव टू प्लान इट वेरी नाइसली और आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे। गेट ऑल कॉपीराइटेड क्लियरेंस। देखिए जी कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए हमारा, हमेशा ध्यान रखें। प्रैक्टिस, गेट यूज टू लिसनिंग टू योर ओन वॉइस इन ए साइलेंट रूम, रीडिंग अलाउड एंड लिसनिंग अलाउड। रीडिंग अलाउड करते जब हम कोई चीज लिखते हैं ना तो इट इज द बेस्ट वे टू एनालाइज दैट, रीड इट अलाउड, बोल के उसे पढ़िए एक बार। इफ यू हैव रिकॉर्डेड समथिंग लिसन टू योर वॉइस एक बार। अभी हमारे वाइस चांसलर इंचार्ज सर जो बात बोल रहे थे उन्होंने उनके अर्पित कोर्ट में यही गलती की, उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया। क्रॉस चेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इट नीड्स 10 times मोर एफर्ट्स देन क्लासरूम टीचिंग व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस थिंग। और आप 2 मिनट का अपना वीडियो जरा रिकॉर्ड करके देखना, ठीक है, 50 गलतियां नजर आएंगी आपको कितनी भी तैयारी के साथ करो। और हम तो आधा आधा घंटे के मॉड्यूल बना रहे हैं, 20 मतलब 20 आवर्स, 40 मॉड्यूल, 20 आवर्स यानी 321, 7 मूवीज। सर गलतियां होने की गुंजाइश बहुत है, बहुत 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 है। पता चला मैंने पूरा रिकॉर्ड किया और मेरा जो कॉलर था वो ऐसे मोड़ रखा, पूरा रिकॉर्ड किया और वो ये ऐसे था। हाँ होता है सर, पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता है वापस। तो दीज थिंग्स, ये छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी प्रोडक्शन वालों से, मीडिया से, ये बिकॉज वी आर नॉट जस्ट एकेडमिक्स वन, नाउ वी हैव बिकम द एकेडमिक आर्टिस्ट नाउ। आपको वो करना पड़ेगा सर, आपको वो लाना पड़ेगा। आप देखते हैं चाहे कुछ भी बोलो कि आप कितना भी कोई विद्वान बोल रहा है, वियरिंग पे तो जाते ही है ना थोड़ा सा, कि थोड़ा तो ठीक है, खासकर जब वो मीडिया में आ रहा है, जब वो प्रेजेंटेशन है कैमरा में। बहुत अच्छे अच्छे टीचर कैमरा के सामने नहीं बोल पाते सर, मैं मानता हूं, आई नो, आई एग्री, आई हैव सीन, आई एम बैंगलोर, वी हैव बीन ट्रेंड इन द आई एम बैंगलोर फॉर प्रोडक्शन ऑफ मूक्स बाय द MHRD, वी हैव बीन ट्रेंड इन NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चेन्नई। एक एक चीज फिल्टर करनी पड़ती है, एक एक चीज आती है, पर उसके लिए पहले प्लान बनाना है। वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, खाली मुझे नहीं, मैं कोई विशेष नहीं जिसको ट्रेन किया गया, उन्होंने सेलेक्ट करके जितने पोटेंशियल लोग थे उनको ट्रेनिंग वो देते हैं, ठीक है। अब आई एम बैंगलोर में तो नहीं, हम पहले बैच में थे तो हमें आई एम बैंगलोर में ट्रेनिंग हुई, बाकी NITTR में ट्रेनिंग मिलती है। बट देखिए ट्रेनिंग मेरे साथ 191 लोगों को भी मिली होगी। कई कोर्स ऐसे हैं जो रीरन से ड्रॉप कर दिए गए, कोई नहीं रहे, बिकॉज दे वर नॉट टेकन सीरियसली। आपको सीरियस लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी ऑरा, आपके इंस्टीट्यूट की ऑरा आपके साथ बंधी हुई, और साथ में MHRD का बैनर आपके साथ में है। कुछ भी गलत करते हैं ना आप तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, एंड यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। और ये तो खुल्लम खेल फरुखाबादी भाई, अपनी क्लास में जाके आपने क्या गप मारी कौन जानता है। यहां तो यह है कि आप यू गो टाइप द यूट्यूब, टाइप माई नेम इन यूट्यूब, यू विल गेट द मॉड्यूल्स, यू सी माई परफॉर्मेंस देयर, यार यू सी द थिंग्स देयर, नो इश्यू, ओपन बुक, आई डोंट नीड सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीवन। दिस इज द वे वी हैव टू गो थ्रू। पर ये क्यों है, क्योंकि तैयारी है। कई वीडियो सर हमने वापस रिकॉर्ड करें अपना, आप देखा तो अपना लगे यार अच्छा नहीं लगा यार, मजा नहीं आया, ठीक नहीं हुआ, वापस करेंगे, वापस किया कई,
अब कई वीडियो में थोड़ी बहुत गलती रही भी है, फिर मैंने कहा लेट इट बी, जो बहुत ज्यादा उसका आदि एक लिमिट तक जितना हम कर सकते हैं उसके बाद रह जाता तो हम कहते हैं हाँ गलती हो गई, ठीक है दैट ओके। व्हाट आई मीन टू से, सीखिए, देखिए मैं कहता हूं मूक्स करिए, और आईआईटी के प्रोफेसर से भी गलतियां होती हैं, सब्जेक्ट वाइज गलतियां होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कुछ नहीं जानता। इट डजंट मीन सर, इन सितंबर 2017 आई वाज सिटिंग एज ए पार्टिसिपेंट फॉर ओईआर अलोंग विद माय 60-70 फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। यहां के लोगों को जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे उनको मिलने में दिल्ली गया, उनको मिलने में रुड़की गया कि सर मैं कैसे डेवलप करूं, मुझे बताइए, गाइड कीजिए, और उनकी जान खाई मैंने एक एक दो दो दिन। सर मुझे कोई अलग से नहीं पढ़ाया था किसी ने, मैं भी उन्हीं फैकल्टी मेंबर के साथ पढ़ा, पर मेरे को यह था कि मुझे करना है, और हमने जिन्होंने हमको सिखाया हमने उनसे बेहतर करके दिखाया। आई एम बैंगलोर जिन्हें ट्रेनिंग की सर, उनके 22 कोर्स है वहां पर, और उन 22 कोर्स को हमने पीछे छोड़ दिया। वो कहते हैं यार कि तुमने हमको, मैंने कहा सर मैंने कुछ नहीं किया, आपने जो सिखाया मैंने खाली उसको शिद्दत के साथ किया, बस नथिंग। आई एम बैंगलोर में होता क्या है सर, प्रॉब्लम क्या नहीं, आई एम बैंगलोर टेक्निक वाइज अच्छा है, लेकिन वहां का प्रोफेसर बॉदर नहीं करता, मैं आंसर नहीं दे रहा बोल, समझे आप, उसके पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं, क्वालिटी ठीक है, लेकिन मूक सर एक टीम एफर्ट है पूरा कंप्लीट, जो टीम के तो मतलब पूरा बंडल है, खाली मैंने बहुत अच्छा लेक्चर दे दिया उससे मूक सक्सेसफुल नहीं होता है, आपको हर चीज में देना है उसकी इंडिविजुअल स्पीकिंग। आप मेरे 12,500 लर्नर्स को पूछ लीजिए, हर एक की क्वेरी कैटर की गई होगी पूरी टीम द्वारा, जिसने जो क्वेश्चन पूछा गया होगा, चाहे आपको 12 बजे पूछा होगा चाहे 1 बजे पूछा होगा, दैट इज द वे वी हैव गॉट दिस सक्सेस, कि हाँ हमें अगर लर्निंग के लिए है हम तो वी आर देयर फॉर यू, दैट काइंड ऑफ एंगेजमेंट वी हैव डन, एंड जो कि जो है उनसे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी हमने सारे काम किए हैं, पर उसके लिए हमने टेक्निक्स अपनाई, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई कैसे प्लान करना है, और आई एम बैंगलोर के प्रोफेसर को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, अगर कोर्स नहीं भी चलेगा तो ठीक है ना, तो उनका अपना बैनर है, पर हमारे लिए चैलेंज ये था कि नहीं, सिटिंग हेयर इन श्रीनगर गढ़वाल इन ए वेरी रिमोट प्लेस वी विल शो द वर्ल्ड दैट वी कैन डू द बेस्ट थिंग, एंड वी डिड इट, एंड तब हमने बताया कि हाँ हम कर सकते हैं, पर करने के लिए आपको जो एफर्ट्स करने हैं वो काउंटलेस है, सॉरी टू से। अगर आप आराम तलब हैं, आप चाहते हैं कंफर्टेबली हो जाएगा, पैसा आ जाएगा भाई, तो सॉरी, डोंट कम इन दिस बिजनेस, डोंट कम इन दिस थिंग, आपकी जिंदगी बड़ी खतरनाक हो जाएगी, मैं बता रहा हूं, यू वॉन्ट हैव टाइम टू एनीथिंग, ईच एंड एवरी टाइम यू विल बी इंडल्ज विद द एनपीटीएल एंड ऑल दैट थिंग्स। हमारा रीजन चल रहा है अब हम कंफर्टेबल हो पाए, पहला रन बहुत टिपिकल होता है, फर्स्ट रन में तो दिक्कत आएगी आएगी, एक एक चीज हर दिन आपको फोन आएगा, यहां गलत हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये हो गया, बट ये जो टीम है ये पूरी तैयारी, इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारे पास मौका इसलिए नहीं था कि हम पहले बैच में थे, हमारे पास रेडी मूव कम थे जो हम देख सकते थे, अब आपके पास बहुत सारे मूव थे जिनको आप देख सकते हो कि क्या करना है ऐसे भी मूव मिलेंगे, और क्या नहीं करना है ऐसे भी मूव मिलेंगे आपको, ठीक। सो प्रैक्टिस, गेट यूज टू लिसनिंग टू योर ओन वॉइस इन ए साइलेंट रूम, अपनी वॉइस सुनिए और सेल्फ क्रिटिसाइज कीजिए अपने को कि क्या आपको कहां गलती हो रही। मैपिंग पैडागॉजी विद लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, हाउ इज मूव डिफरेंट फ्रॉम डिजिटाइजिंग कोर्स कंटेंट। सर इट इज नॉट, अब आप तक आप समझ गए होंगे, इट इज नॉट जस्ट अबाउट डिजिटाइजिंग द कोर्स कंटेंट, ऐसा नहीं कि डिजिटल कर दिया जी बस हो गया, इट इज मोर देन दैट, इट इज मोर देन दैट। व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट पैडागॉजी और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, आईडी, स्ट्रक्चरल डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम खैर मैं ऑनलाइन जब हम बात कर रहे हैं तो आईडी को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। हम सोचते थे यार हाँ ठीक है कर लेंगे ना, क्या स्लाइड ही तो बनानी है, नहीं, स्लाइड की टाइमिंग क्या है, कौन सा स्लाइड पहले आ रहा है, उसका कलर कंट्रास्ट क्या है, ऑल द थिंग्स, वॉइस कब आएगी, फेस कब आएगा, ऑल द थिंग्स, दिस कम्स अंडर इंस्ट्रक्चरल डिजाइन। एटलीस्ट आपको कुछ अंदाज होना चाहिए, वो तब आपको अंदाज आएगा, यू विल कम टू नो द थिंग्स व्हेन यू विल डू, व्हेन यू विल सी द मूव्स, कि प्रेजेंटेशन कैसा तुम्हें सही लग रहा है। और देखिए सर, मेरे सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक में मैं डील कर रहा हूं, हो सकता है प्रेजेंटेशन स्टाइल यहां ठीक हो, लेकिन आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री में जब आप डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में, तो आपका प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, कोई चीज जनरलाइज नहीं है यहां पर, डिपेंडिंग अपॉन योर थीम। अब हिस्ट्री वाला है भैया, वो बैठ के अरे एक ही तरह से तो बोलेगा, वो कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बताएगा नहीं ना। व्हाट आई मीन टू से, डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट डोमेन यू सी व्हाट बेस्ट सूट्स यू। ओके,
Next thing, content expertise is not equal to pedagogy and media expertise. बहुत अच्छे टीचर्स कैमरे को फेस नहीं कर पाते या कम्युनिकेट नहीं कर पाते कैमरे के सामने. वैसे बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, कैमरा सामने आती है आदमी जो घबरा जाता है, स्माइल मुंह से गायब हो जाती है. यू हैव टू प्रैक्टिस. और ये मैं ये नहीं कह रहा, देखिए जी आपको बहुत अच्छे टेक दी टीम ना, अच्छा प्रेजेंटर अपने साथ रखिए, कंटेंट कोई दूसरा बना ले. आपके नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाले हैं, हम मेरे मूक गुरु हैं प्रोफेसर हरियल थॉमस, ही इज कमिंग आफ्टर पोस्ट लंच, ही इज रनिंग 3 मूक्स एट ए टाइम इन दिस जियोलॉजी सब्जेक्ट्स. यू विल हैव टू लर्न, एंड उतने सीनियर है वो. हम किसी को बोलते हैं कभी करेंगे यार, मैंने कहा सर सीनियर लोगों को हमें सानिध्य चाहिए. नहीं नहीं हमारी तो उम्र हो गई यार, तुम लोग तुम करो यार. यू सी द पर्सन senior officer and actively participating in the MOOC as a one-man army. So, now what role does instructional design play in MOOC? This is an architect ka jo role house building mein hai. Jewelry designer ka jo role jewelry ka design karne mein. This is the role of instructional design in the MOOCs. Isi tarah ke बहुत सारी चीजें तो सब अवेलेबल है, लेकिन उसको कहां कैसे लगाना है, टाइमिंग, कोरिलेशन, कोऑर्डिनेशन, ऑल द थिंग्स. नाउ व्हाट शुड आई नो अबाउट लर्निंग बिहेवियर टू फोस्टर लर्निंग? मिस क्या है हमारे? विजुअल ऑडियो काइनेस्थेटिक स्टाइल्स, लेफ्ट ब्रेन इज लॉजिकल, राइट ब्रेन इज क्रिएटिव, आईक्यू एंड मेमोरी इन्फ्लुएंस लर्निंग, एबिलिटी टू लर्न इज इननेट. ऐसे हमारे मिथ है भैया, जो समझ में आ रहा है वो इननेट है. ये हमारे ऑल मिथ है, ऐसा होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लॉजिकली थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग. मैं मानता हूं कि ब्रेन के अलग पार्ट एस्टेब्लिश है, बट आई डू नो अबाउट लर्निंग बिहेवियर टू फोस्टर लर्निंग. देखिए हमको कुछ ना कुछ फिर से हमें एजुकेशन पैड है, भले हम हर कोई एजुकेशन नहीं पढ़ता, पर एजुकेशन कैसे होती है, कैसे पढ़ाया जाता है, ये तो हमें सीखना आना ही चाहिए ना. साइकोलॉजी चाइल्ड की आनी चाहिए ना. मैं ये नहीं कहता मैं साइकोलॉजी पढ़ाऊं, पर मुझे इतनी समझ तो होनी चाहिए बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता, कैसे समझ में आता. तो वर्किंग मेमोरी, कॉग्निटिव लोड, मेटाकॉग्निशन, स्लीप वेक साइकिल, एक्टिव रिकॉल जरूर पढ़िए. क्या चीज है जो इन्फ्लुएंस करती है, स्पेशली व्हेन वी आर गिविंग द थिंग्स फॉर लर्निंग. सर पिक्चर देखने में एंगेजमेंट अलग होता है, मूवी देखने में, जब पढ़ने की बात होती है तब एंगेजमेंट कुछ अलग होता है. इट हैज बीन द स्टडी कि 6 to 7 मिनट से ज्यादा किसी मॉड्यूल में एंगेजमेंट नहीं होता है बच्चे का, कब लर्निंग की बात होती. यू शुड नॉट प्रिपेयर 6 minutes, more than 6 minutes or 7 minutes video. जहां CEC जो undergraduate का है वो 30 minutes का एक module बनाता है, हमने UGC में उस 30 minutes को module को 3 sub module में divide किया, ताकि आप एक sitting आप बैठे हो, मेरे पे 6 minutes का time, आपने 6 minutes में एक देख लिया, 5-6 minutes, 7 minutes, maximum 10 minutes. So learning should be integral. वो एक time में एक sitting में होनी चाहिए. ज्यादा part में करते तो वापस हमें री करना पड़ता है. अब कुछ और जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर वहां आधा आधा घंटे, हमने दूसरा हमने हमारे ही दूसरे कोर्स में इन द इंडस्ट्रियल फार्मेसी कोर्स वी हैव डेवलप, वी हैव टू डेवलप, वी वर फोर्स टू डेवलप 30 मिनट्स वन मॉड्यूल. वो नेशनल कोऑर्डिनेटर की स्ट्रेटजी है, बट स्टिल दैट कोर्स, उस कोर्स में भी हमारा एंगेजमेंट इतना अच्छा हमने ढंग से किया कि वी स्टैंड एट रैंक 16 अक्रॉस 191 कोर्सेस. सो बोथ द कोर्सेस वी डिड वेल. बट ये चीज आपको जाननी पड़ेगी कि हाउ डज लर्निंग स्पेस इन द डिजिटल एज लुक लाइक. डिजिटल एज में लर्निंग स्पेस अलग है. व्हाट डज लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफर फॉर बेटर अफोर्डेंस, कोहेरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस, रिच कंटेंट असेसमेंट स्ट्रेटजी, ब्रांच लर्निंग पाथ, इन डेप्थ लर्निंग इनसाइट्स. देखिए आप अगर आप देखना चाहें एडेक्स देखिए, कोर्सेरा देखिए जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, उनको भी देखिए. देयर आर द कोर्सेज जिसमें एंगेजमेंट, एंगेज करना लर्नर को बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या उससे कनेक्ट करना, दैट कनेक्शन जहां नहीं हुआ ना, वो खाली कोर्स करने के लिए कर तो जाएगा लेकिन मूक आपका सक्सेसफुल नहीं होगा. बहुत सारे कोर्स है, देखिए बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हमने डिफीट खाली नेशनल प्लेटफॉर्म में नहीं, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो मूक है उनको डिफीट किया इन टर्म्स ऑफ परसेंट एनरोलमेंट इन एग्जाम रजिस्ट्रेशन. इन जनरल इंटरनेशनल एवरेज 5-7% का है एंड वी गॉट 14% एग्जाम रजिस्ट्रेशन.
मूक्स में क्या होता है, मूक्स हर एक की लास्ट प्रायोरिटी होती है, जिसको कुछ नहीं आता ठीक है मूक्स से कर लेंगे, उसमें बंदे को एनरोलमेंट से रजिस्ट्रेशन पे लेके आना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है एग्जाम तक लेके आना। यानी आपने उनको एंगेज कराया आपने, और जनरली एंगेजमेंट का रेशियो केवल 5-7% होता है। जैसे कि एक का रिजल्ट कितना परसेंट होता है साहब इन जनरल कोर्सेज में, 2-3% होता है ना, वही समझिए आप, वो भी ओपन लर्निंग है ना, ऑफलाइन लर्निंग है वो, उसमें क्या रिजल्ट। ICW करते हैं आप, CA का एग्जाम रेगुलर कीजिए आप, लॉ रेगुलर कीजिए और डिस्टेंस लर्निंग से कीजिए, डिस्टेंस लर्निंग में हमेशा परसेंटेज गिर जाता है, इजंट इट, वही चीज डिजिटल इसमें होता है। उसमें 5-7% का एंगेजमेंट रखना अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है, करके दिखाइए ना। वन ऑफ माई फ्रेंड हु वॉज हैविंग एनिमेशन, he was having 25,000 enrollments across various countries. He could have 125 learners only in the exam. At the end. But enrollment is not a big thing. Enrollment हो जाते हैं, कर सकते हैं, लोगों की इच्छा होती कर, पर आप केवल 125 लोगों को ही लेके आ पाए 25,000 में से, that was a big question. He was number one in the enrollment. I was not in the number one in enrollment. मेरे से ऊपर भी दो लोग और थे. 14% of the learners I took to the exam registration. That was the greatest achievement which was appreciated by the MHRD. But उसके लिए मेहनत लगती, ऐसे ही नहीं होता है, दिल, learning by creating the sessions. और देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक के लेवल की क्वेरी को पूरा करना और अपने साथ के लोगों को, अपने लर्नर्स को तैयार करना कि जिसको आता है वो उसको जवाब दे, पीयर लर्निंग हो, That is at most, उनको एनरिच करना, उनको रिकॉग्नाइज करना जो सही कर रहा है। 12,500 लोगों में से 1,000 लोगों को हमने कमेंट किया होगा कि तुमने जो ये किया बहुत अच्छा किया, ये कमेंट किया, दैट काइंड ऑफ एंगेजमेंट यू विल हैव टू डेवलप सर, एंड दैट इज अ चैलेंज, रियल चैलेंज, एंड दैट्स व्हाई वी गॉट द लिटिल बिट सक्सेस वट एवर वी कुड अचीव। तो पेडागॉजिकल डिजाइन, लर्निंग बिहेवियर एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, you will have to map the pedagogy in between them. I'm not going to the detailed thing, but learning, you need to assume complete responsibility of the course. Sir, aapka course hai wo, it's your course coordinator. You are completely responsible for the things. Kai cheeze aisi hoti hai jo mere domain nahi hota hai, tab bhi mujhe responsibility leni padti hai. Bhai, maine content dal diya lekin content dikh nahi raha, to wo to mujhe turant bolenge ki sir content nahi dikh raha. To चाहे वो टेक्निकल चीज हो, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सर सही हुआ तो क्रेडिट तो बहुत लोग लेने आएंगे, गलत हुआ तो जूते खाली आप ही को पड़ेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज द ट्रुथ। जब तक चीज हो रही है तो ठीक है, देख लेंगे यार क्या है, लेकिन क्रेडिट हो चाहे डिसक्रेडिट हो, क्रेडिट से ज्यादा डिसक्रेडिट आपको मिलेगा अगर गलती हुई तो। मैं बता रहा हूं, तो क्या प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे दावनो है, वही है मूक्स। तो लिसन टू एंड अंडरस्टैंड क्लियरली द रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, वीडियो एडिटर, टीचिंग असिस्टेंट। तो टीचिंग असिस्टेंट देखिए हमारे यहां तो नहीं मिलता, लेकिन रिकॉर्ड करते वक्त किसी दूसरे पक्ष का हमेशा सामने रहना जरूरी है। खाली आप कैमरा लेके सामने बैठ जाए, दूसरा जो करके बैठा है, आपको पता चलना चाहिए अगला आपको तुरंत राय दे और उस राय को सम्मान करें कि नहीं आप गड़बड़ जा रहे हैं, आप ज्यादा हिल रहे हैं, यू नो मूविंग हेयर एंड देयर इज ओके विद कैमरा बिकॉज फोकस, मेरे को भी बहुत देर में समझ में आया, बट जब आप ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो फोकसिंग चेंज होती है। कई लोग को ऐसे ऐसे मूव करने के आते हैं, व्हेन यू आर मूव स्टैंडिंग बिफोर द कैमरा यू कैन नॉट यू पुट योर लेग्स देयर, यू कैन मूव योर हैंड्स, यू कैन मूव लिटिल बिट लेफ्ट एंड राइट, बट यू आर नॉट सपोज टू मूव लाइक दिस। Things, small things you will have to remember. Encourage them to be open and critical, but finally you will have to take a call about what is more effective learning. देखिए जब आप कोई चीज बनाए सबसे पहले अपने यार दोस्तों को दिखाएं, क्योंकि गालियां देने में सबसे पहले हमारा दोस्त जो है हमको प्रथम होता है, मतलब वो क्रिटिसाइज करने में परफेक्ट होते हैं लोग, ठीक है। तो मेरा बोल मतलब अपने लोगों को दिखाए जो आपको वास्तविक राय दे सके, उन लोगों को ना दिखाए तो भाटर चारण की तरह तारीफ ही करते रहे गाली, ठीक है। क्रिटिकल लोगों को दिखाया क्योंकि दिस पायलट रन जिसे बोलते हैं, पायलट रन में हमने दिखा, हमने अपने बच्चों को, अपने इसमें सेलेक्टेड बच्चों को, पीजी के बच्चों को हमने अपने मॉड्यूल दिखाए हैं, पायलट रन करवाए, उनसे गलतियां गिनवाई हैं और तब उसको ओपन किया। यू विल नीड टू बी कंप्लीटली एट ईज वाइल रिकॉर्डिंग। देखिए आपका कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है कैमरा के सामने, आपने अनकंफर्टेबल रहेंगे तो आपका नेचुरल जो टीचिंग है ना वो बाहर नहीं आ पाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। इट डजंट मैटर much
that what you are wearing match what you are wearing or whether you are sitting or standing, ये कोई matter नहीं करता वैसे. जब तक जिस भी पोजिशन में आप कंफर्टेबल, आप बैठे में अच्छा बोल सकते हैं बैठ के बोलिए, खड़े होके बोलना चाहते हैं खड़े होके बोलिए, doesn't matter. ठीक. And if the content is powerful, most of the shortcomings will be forgotten or overlooked. आपका content powerful है ना, आपकी delivery powerful है ना, तो छोटी मोटी गलतियां चल जाती हैं, पता है. मेरे एक उसमें जो है, मैंने एक में बोला कि मतलब मेरा कंटेंट क्या था कि ज्योग्राफिकल के बारे में है, मेरे एकेडमिक राइटिंग के उसमें मेरे से गलती हुई कि उसमें था कि ये वाला जो वो है ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया मेट्राइसिस है, मैं शायद जनरल मेट्राइस की बात कर रहा था कि इस जनरल में इस ऑथर में इस कंट्री से जो है नंबर टू है ये कंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन में पेपर्स में, तो मैंने कंट्री का नाम इटली की जगह कुछ और बोल दिया, मतलब इटली था कि क्या बोल दिया, मतलब कंट्री का. बट डजंट मैटर, मैंने अपना पर्पस सॉल्व किया कि मुझे ऐसा बताना था. वो गलतियां पिन पॉइंट भी नहीं की किसी ने, मतलब मुझे पता था मैं गलत बोल रहा हूं, मैं कंट्री का नाम कुछ और बोला, इटली की जगह कुछ और बोला, मैंने कैसा कुछ किया. बट वट आई मीन टू से कि मैंने उसको डिलीवर ढंग से किया तो मेरा जो मुद्दा था वो सॉल्व हो गया. जैसे उस कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट नहीं रखता था वहां मेरा जो कंटेक्स्ट था वो पावरफुल था. तो आपको वो उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा कि छोटी मोटी गलतियां अपने आप ओवरलुक हो जाए. लाइक टीचिंग, क्रिएटिंग मूव्स इज अ लर्निंग आर्ट, यू विल गेट बेटर एट इट विद डेलिबरेट प्रैक्टिस. सब बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस तो करनी होगी बिना प्रैक्टिस के. यू प्रैक्टिस इट बिफोर द कैमरा, 5-5 मिनट्स के वीडियो बनाइए, आप अपने ही जो पढ़ते हैं बच्चों को बताइए. यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्मॉल वीडियोस फ्रॉम योर मोबाइल कैमरा ओनली एंड बिफोर गोइंग टू योर क्लास शेयर द वीडियो विद योर स्टूडेंट्स. इवन अगर आप अपने स्टूडेंट्स ही शर्म करेंगे उसको शेयर करने में तो बाहर दुनिया को क्या दिखाएंगे आपने में? यहीं से शुरू कीजिए. ठीक. तो सेकंड पर्सपेक्टिव, मेकिंग क्विक स्मार्ट क्लास नोट्स आउटलाइन रिमाइंडर्स फॉर स्टूडेंट्स. आपको बीइंग फैकल्टी आप क्या देना चाहते हैं, मैं ब्रेंडल खाली मूक की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं OER प्लस मूक दोनों की बात कर रहा हूं. आप दिखना चाहते हो मेरी नेक्स्ट क्लास, माय नेक्स्ट क्लास इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आई विल प्रिपेयर अ क्विक नोट ए स्मार्ट वीडियो एंड विल शेयर द थिंग्स. स्मार्ट नोट मैंने बनाए क्विक करके, दो चार कंपाइल किया और उसको मैंने शेयर कर दिया, दैट इज OER. हाथ से ही बनाया, कुछ नहीं करिए आप, ज्यादा टेंशन मत लीजिए. हाथ से सुंदर अपना रे डायग्राम बनाइए, कंपाइल जैसे अपने नोट्स बनाते थे ना हम कंपाइल करके, शेयर विद योर स्टूडेंट्स. जिसको लेके कल आप पढ़ाने जाने वाले हैं, शेयर इन एडवांस ना, दिक्कत क्या है. ठीक. मेकिंग रूटीन सेमेस्टर इंस्ट्रक्शंस. हर सेमेस्टर में हम शुरू करते हैं कहानी कि भैया देखिए आज ये प्रैक्टिकल होगा, ये वाले यहां से लेना है, ये वहां से लेना है, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं. जो आप रूटीन में करते हो उसको एक OER क्यों नहीं बना लेते हो भाई? एक स्लाइड बना लो, वैसी स्लाइड बना लो, या एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो उसका और शेयर इट विद, और हर सेमेस्टर में उसको शेयर कर लीजिए या अपडेट कर लीजिए. तो जो रूटीन चीजें हैं जो आपको देनी है उनको OER के रूप में डेवलप कीजिए, उनको चाहे वीडियो बनाइए चाहे खाली उसको लिख दीजिए, एक लिख दीजिए एक कागज में आपने लिख दीजिए, जैसे हम लिखाते हैं लैब में, आप लिखे रहते हैं ना प्रोटोकॉल आपके चिपकाए रहते हैं आपने, फिर भी आप बताते हैं ना बच्चों को भी फाइल ऐसे बनेगी, फाइल ऐसी बनेगी, ये फाइल बनानी है, ये नहीं फाइल बनानी. लेट अस प्रिपेयर दोज ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड शेयर विद योर स्टूडेंट्स. एंड लैब मैनुअल्स, रेफरिंग लिटरेचर यू कैन प्रिपेयर विद दैट. मेकिंग स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड कंटेंट, आप अपने जो नोट्स हैं उसके फॉर्म में बनाइए एंड शेयर विद योर स्टूडेंट्स. मेकिंग द कॉम्प्लेक्स टॉपिक इजियर टू अंडरस्टैंड, वहां आपका इंपॉर्टेंस समझ में आता है. जो सिंपलर चीज है वो तो वैसे कोई बार कोई डायग्राम है, कोई फ्लो चार्ट है जो पहले से बुक में दिया हुआ, उसमें आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन? नहीं, आपने 10-20 पेज को जो पढ़ा, जो कंडेंस किया, उसका फ्लो डायग्राम एक पेज का बनाया, वो बच्चों के काम का जाता है. दैट शुड बी शेयर्ड एंड दैट इज द ओपन एजुकेशन रिसोर्स. एंड शेयर इट इन पब्लिक, शेयर इट इन फेसबुक, शेयर इन स्लाइड शेयर, डजंट मैटर. यू शुड बी फैक्चुअली करेक्ट, यू शुड बी फैक्चुअली करेक्ट, ओके, इट्स नॉट योर परसेप्शन ओनली. पर्सनलाइजिंग लर्निंग फॉर स्टूडेंट और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज, आप यू कैन पर्सनलाइज द थिंग्स फॉर योर 6 स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स ऑफ पीजी. लैंग्वेज आई एम नॉट गोइंग अबाउट दैट, उनको जो समझ में आता है मैंने उनकी लैंग्वेज उनके स्टाइल में वीडियो बनाया और उनको दे दिया, लो भाई समझ लो, जो ना समझ में आता तुमको उन्हीं के स्टाइल, जो उनको समझ में आता है उसी तर्ज में उसी ढंग से उनके लिए पर्सनलाइज मेडिसिन जिसे कहते हैं वो हमने बनाया. नाउ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, टेक एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ नॉलेज और रिसर्च. हमारे रिसर्च स्कॉलर बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्टली काम करते हैं, तो
रिसर्च के जो एडवांसमेंट है वो बड़ी थे, आप अपने रिसर्च स्कॉलर्स को बताइए कि वो जो जो नई चीज आती है ओपन एजुकेशन फॉर्म में बनाइए, शेयर कीजिए उसके साथ, ठीक है। क्विक समरी ऑफ की पॉइंट्स, नो हाउ एंड बेसिक्स इन द प्रेजेंटेबल फॉर्म और इजी टू लर्न। एक ही चीज, एक ही प्रोसेस मेरी लैब में बार बार होना है, व्हाई नॉट टू प्रिपेयर दैट ओपन एजुकेशन रिसोर्स फॉर दैट थिंग। दीज स्टूडेंट्स कैन डू, स्टूडेंट शुड डू, एंड यू विल हैव टू इनकल्केट दैट थिंग इनटू योर स्टूडेंट। ओन व्यू पॉइंट ऑन अ टॉपिक स्टूडेंट कैन हैव, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसकी वो उसको टॉपिक में रखे और शेयर करें अपने ग्रुप में। एंड स्मॉल लैब बेस्ड न्यू वर्केबल मॉडल और रिसर्च मेथड प्रोसेस, उसने एक मेथड बनाया, मैंने रिसर्च स्कॉलर ने एक मेथड डेवलप किया या कोई एग्जिस्टिंग मेथड है उसने उसका ओपन एजुकेशन रिसोर्स बनाया था कि भाई मैंने ऐसे किया, ये वाला लगाया, ये कॉलम लगाया, उसके बाद ऐसा किया आपने डेवलप, तो आपको ये रह जाएगा कि नेक्स्ट जो रिसोर्स जो स्टूडेंट आएगा उस पर काम, देख भाई इसने ऐसे कर रखा है ये लेकर। और अब तो यू विल आई थिंक इफ यू आर पब्लिशिंग योर आर्टिकल्स नाउ डेज इंट्रोडक्टरी वीडियो इज डिमांडेड बाय द जर्नल, एब्स्ट्रैक्ट वीडियो, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट की जगह वीडियो एब्स्ट्रैक्ट्स मांगे जाते हैं। बैंथम साइंस हैज स्टार्टेड इट, स्प्रिंगर हैज स्टार्टेड इट, मतलब खाली एब्स्ट्रैक्ट नहीं, आपका वीडियो एब्स्ट्रैक्ट दिखेगा उसमें। तो ये चीज आ रही है, मैं बता रहा हूं दिस इज द फ्यूचर, आपको हर चीज में आना पड़ेगा डिजिटल में। सो इंप्रूव योर आल्ट मैट्रिक्स, न्यू यूज ऑफ ओल्ड कंटेंट प्रोडक्ट सर्विस इक्विपमेंट, किसी भी पुरानी चीज का आप नया यूज क्या कर रहे हैं, जो कि स्टूडेंट माहिर होते हैं चीजों को करने में, इन बिल्ड करने में, जुगाड़ करने में, रिसर्च में जो जुगाड़ हो रहा है क्या हो रहा है वो औरों के भी काम में आ सकता है, रिसोर्स जहां स्कार्स रिसोर्सेज है, व्हाई नॉट टू प्रिपेयर दोस थिंग्स, पिन पॉइंट दोस थिंग्स एंड पुट इनटू द लाइफ दैट द स्टूडेंट हैड डन इट। स्टूडेंट को बोलिए खुद बनाइए, ही विल फील रिकॉग्नाइज, ही विल फील रिकॉग्नाइज दैट थिंग। सो इंप्रूव योर आर्ट मैट्रिक्स, आर्ट मैट्रिक्स यू नो, आर्ट मैट्रिक्स सोशल मैट्रिक होता है कि हमारा सोशली हम कितना रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, इन द सेंस कि सोशल मीडिया में कितने रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, एड मैट्रिक्स ऐसा होता है विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि एड मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि इंपैक्ट फैक्टर है, वैसे है, ये मैट्रिक्स है नहीं सारे, एच इंडेक्स है, एड मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स है, बट एड मैट्रिक्स इज इंक्रीज्ड स्पेशली व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, और जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं चीजों को उसको बोलते हैं एड मैट्रिक्स, ठीक है। सो you can improve your art metrics by these things, especially the students, okay, the way you express, and sorry, arts and humanities mein art metrics bahut important importance rakhta hai, jahan par aap critical hote hain kisi cheez ke prati, ki koi zaruri nahi hai ki main jo conventional cheez hai usse main sehmat hu, mera apna vichar virodhabhasi ho sakta hai, to wahan art metrics bahut important hota hai sir, theek hai। sciences mein nahi hai art metrics, sciences to principle aur evidence pe chalta hai, par when we are talking about the philosophy, when we are talking things, you can have differences of thought, okay, so that way arithmetic is very important, and for employment arithmetic is seen, okay, nowadays various private companies see the arithmetic and ye automatically track hota hai aapka, theek hai, jaise aapko google scholar automatically track karta hai na, arithmetic bhi automatic track hota hai। the way you express yourself in social media is made the basis of selection by the companies, ye main wapas wahi baat tu keh raha hu, this why be very alert when you express your social media, apne students ko bataiye, student perspective baat kar raha hu apna to jo holiya holiya bole, lekin student ko bataiye you can't express vaguely in the social media because it will affect your employability। so task after creating the course, ab apne course bana liya say for example, ab course ke creation mein jo bahut sari baatein hongi wo aapko main wise batayi jayengi। प्रोडक्शन में गो थ्रू द वीडियोस एंड ट्रांसक्रिप्ट सेवरल टाइम्स टू गेट रिड ऑफ एरर्स, बहुत बार देखिए उसको, देखिए देखना पड़ेगा, बताया ना बागड़ी सर ने, वो देखा नहीं उन्होंने तो वो गलती भारी पड़ गई उनको, जब उन्होंने बाद में देखा जब वो लोड हो गया तो देयर वर सो मेनी मिस्टेक्स, उसको करने से पहले खुद देखना पड़ेगा सर, एक एक चीज एक एक मिनट कान लगा के सुनना। मैंने 4 हेडफोन खरीदे, हेडफोन क्यों खरीदे, क्योंकि वो ईयरफोन एक तो मेरे कान में वो घुसता नहीं है, वो जो वो ईयरफोन के जो रहते हैं हेडफोन से, फिर मेरे को जो जो बैकग्राउंड वॉइस है वो वॉइस है वो ही पता थे, तो मुझे ढंग से सुनना कोई बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं, वो सुनकर हम बैठे रहते थे फिर करके पूरे आधे घंटे रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड किया उसके बाद मतलब एक तपस्या होती थी एक एक चीज को सुनना, वो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, रिकॉर्ड के बाद उसको सुनना भी है, एक एक चीज देखना भी है, ठीक है। कर सकते हैं सर, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, डिलीट करके आप चेंज कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं,
आपको वीडियो बना लीजिए या वही करेक्ट उसमें ही कुछ करेक्शन कर सकते हैं वीडियो में, उसको आप विड्रॉ कर लीजिए। हाँ, वो उसको लिंक शेयर करते हैं ना, वो लिंक हम हटा लेंगे बस। तो वो पब्लिक नहीं करते हम कोर्स में लिंक रखते हैं जनरली, ठीक है ना। कुछ कुछ चीजों को हम पब्लिक कर देते हैं फॉर प्रमोशन। तो चेक दी इवेल्युएटिव क्वेश्चंस जो हम दे रहे हैं ना इवेल्युएशन, उनको चेक कीजिए सही भी है कि नहीं, उनके ऑप्शन सही है कि नहीं, जैसे क्वेश्चन बनाते हैं ना पेपर में, ये जरूर देखिए। मेक पावरफुल ओपनिंग एंड पावरफुल कंक्लूजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एंगेजमेंट शुरुआत के 35 से 40 सेकंड में आप कितना अट्रैक्शन ग्रैब कर सकते हैं, कितना अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, इट इज द सोल क्राइटेरिया ऑफ द सक्सेस ऑफ योर वीडियो। क्योंकि ड्रॉप आउट होते हैं बड़े दिन, किसी को नहीं पड़ी होती, देखते हैं ना, फॉरवर्ड करके देखते हैं अक्सर, फॉरवर्ड करके देखते हैं इसमें। अब जो स्वयं का प्लेटफॉर्म है वो ये भी ट्रैक कर रहा है कि कितने लोग कितने को फॉरवर्ड करके देखते हैं, मतलब हमारे पास हर चीज का मेटा डेटा है, हमारे पास सर हर चीज का मेटा डेटा है। अगर आप कहें ठीक है, आप खुश रहिए कि आपने कर दिया कोर्स कर दिया, मेरे को पता है कि आपने कितने वीडियो देखे हैं, कितने सेकंड के लिए देखे हैं, कितने को फॉरवर्ड किया है, कितने को फास्ट फॉरवर्ड किया है, फिलहाल वी आर नॉट गोइंग थ्रू दैट, ओके ठीक है। लेकिन ये हमने अपने सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए किया है साहब, मतलब ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड किया ठीक है, हो सकता है 50% लोगों के पास टाइम नहीं, लेकिन 50% जो मेरा रेगुलर बंदा है अगर वो भी फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाए, इट मींस मेरे में कुछ गलती है, मैं कहीं लैग कर रहा हूं। It is for me, for self, to self-evaluate. So, make a powerful loop manager. Request family friends to enroll who can give you the honest feedback. अपने family, जो कि जिनका कोई मतलब नहीं है subject से, कोई उनको कोई मतलब नहीं है, खाली लड़ने, वो खाली आपको ये बताएं कि आप overall कैसे दिख रहे हो, या overall का presentation कैसा, कुछ दिमाग में घुस भी रहा है कि नहीं घुस रहा। अगर आप बिल्कुल layman को समझा पाए ना, it is the success. Subject वाले तो कुछ ना कुछ तो अटेरी लेगा ना कहीं ना कहीं से, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर बिल्कुल लेमैन को भी इन्वॉल्व कराइए, ये करके देख, तो वो आपको बताएगा, आपकी गलतियां बताएगा, पिन पॉइंट करे, दैट इज इंपॉर्टेंट। फॉर द डिस्कशन बोर्ड, जैसे कि मैंने बताया, डिस्कशन फोरम इज द सक्सेस ऑफ सोल क्राइटेरिया ऑफ द सक्सेस। गेट इन्वॉल्व टू अंडरस्टैंड वेयर द स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग एंड वेयर दे आर हैविंग डिफिकल्टीज, मैं बात कर रहा हूं। ये नोट कीजिए अपने कोर्स में कि अपने स्टूडेंट्स किस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, किस चीज से वो जो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं आपसे, या किस चीज में आप वो उनको पसंद नहीं आ रहा है, एंड रीरन में उसको चेंज करना ही, उसको अवॉइड कीजिए। रीरन में आपके पास टाइम रहेगा, आपके जैसे हमारी कई गलतियां पहले ही वीक में, कुछ गलतियां थी हमसे, तो हम पहले वीक की गलती को सुधारने जा रहे हैं तुरंत, ठीक, इन वीडियो। नोट डाउन द एरियाज वेयर यू वुड लाइक टू चेंज ड्यूरिंग द नेक्स्ट रन। आप पहले से डिफाइन करके रखिए एक रन में, या नेक्स्ट रन में क्या करना है। इन सिटी स्टेट आइडेंटिफाई टाइमलाइन फॉर अपडेटिंग द कोर्स, मेक एन एस्टिमेट व्हेन यू शुड स्टॉप कोर्स चेंज कंप्लीटली। आपको ये बनाना पड़ता है कि आपने कब वो कोर्स चेंज करना है, कहां कहां चेंज करना है, जब पहला रन हो रहा हो उस समय देख लीजिए। सो आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस नाउ। कि डेवलपमेंट में बहुत सारी बातें हैं जो कि सर भी बताएंगे आपको, कि इसमें फेसबुक पेज @swayamhnbgu, हमारा स्वयं का जो सेल है उसका अपना फेसबुक पेज है। एकेडमिक राइटिंग हमारे कोर्स का फेसबुक पेज है @academicwriting। @ industrial pharmacy is the course page of industrial pharmacy MOOC, and this is my email ID and my phone number. So friends, this is very challenging task, but हम शुरू कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों से, OER से। देखिए कोई भी बड़ी चीज किसी छोटे छोटे कदम से स्टार्ट होती है, हम इनिशिएट तो करें उस चीज को, और इनिशिएट करने के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एटलीस्ट मैं नहीं कहता, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप 100% पीपल यू गो फॉर द MOOCs, एटलीस्ट वी कैन अडॉप्ट OER इन अवर ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप्ड लर्निंग, थोड़ा हम ऑनलाइन पढ़ाएं, थोड़ा ऑफलाइन पढ़ाएं। यहां मैंने पढ़ाया, अब मैंने कहा कि भैया अब ये वीडियो देखो जरा, ठीक है, तो यू सेलेक्ट द वीडियो। मैं रात को 2-2 बजे कभी कभी नींद नहीं आती, देर में बैठा हूं, तो आई स्क्रॉल द वीडियो फ्रॉम यूट्यूब चैनल। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का खुद टेलीविजन है, UCTV एक चैनल है यूट्यूब में, ऐसे चैनल ढूंढिए, उसमें लर्निंग के अलग अलग सब्जेक्ट UCTV आप यू गो थ्रू दैट, उस चैनल में देखिए आपको कोई टॉपिक आपको पसंद आता है तो शेयर विद योर स्टूडेंट्स। मैं रात के 2 बजे अपने स्टूडेंट से शेयर करता हूं, 2:30 बजे देखते हुए, मैं यार सही लग रहा, बहुत अच्छा नैनो पार्टिकल पे, अच्छा तो मैं शेयर कर दिया बच्चों से। दैट्स ये ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है, इन दिस वे वी कैन हेल्प अवर स्टूडेंट्स, उनको सेलेक्ट करके देना, क्योंकि बच्चे के लिए इंफॉर्मेशन में उसको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। यू सेलेक्ट द प्रॉपर क्वालिटी कंटेंट फॉर देम एंड शेयर विद देम, उस कबाड़ में से
वो जो दुनिया भर की चीजें हैं गूगल में जो जंक है उसमें से काम की चीज निकालिए और उनको ऑफर कीजिए, उनको बताइए कि ये स्टैंडर्ड है, ये चीज अच्छी है, हम इस दिशा में जाना चाहते हैं। यू विल हैव टू गिव द डायरेक्शन। अदरवाइज देखिए मैं ये कह स्लाइड शेयर में ऐसे बच्चों के भी हैं जिनको कुछ नहीं आता, उनकी भी स्लाइड अपलोडेड है, ऐसा कुछ नहीं। पर अगर बच्चा उस चीज गलत चीज को शेयर करेगा तो आपका आपने गाइड कहां किया? आपने खाली बोल दिया जाओ स्लाइड शेयर देख लेना इस टॉपिक में। पता चला वो किसी बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे ने जो है प्रोजेक्ट में बना रखा ऊंट पटांग स्टेप के, और आपके पीजी के बच्चे ने उसको जो है रिफर किया और उसने वो बना के लिया। यू हैव टू टेल हिम कि सोर्स की क्रेडिबिलिटी देखो, किसने बनाया है ये देखो। ऐसे नहीं देखना स्प्रिंजर जर्नल के आर्टिकल को देखो, बेंथम साइंस के देखो, ये बताना तो हमें पड़ेगा ना सर कि कहां जाना है। तो इन दैट वे एटलीस्ट वी कैन गाइड। मैं ये नहीं कहता हर एक व्यक्ति मूक के डेवलपमेंट के बिजनेस में जाए, मूक के डेवलपमेंट के डोमेन में जाए, बट एटलीस्ट वी कैन गिव द डायरेक्शंस दैट व्हाट इज गुड, व्हाट इज बेटर एंड व्हाट इज बेस्ट फॉर द आवर स्टूडेंट्स एंड व्हाट आर द सोर्सेज विच आर रीडिली अवेलेबल। सर हर एक के पास 1.5 GB फ्री तो हर उसमें है ही, सबके पास पड़ा हुआ। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है आपके लिए। यू जस्ट शेयर इट, शेयर द इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम, और बंडलिंग कीजिए। और जो भी चीज शेयर करते ना आप इस सेमेस्टर में जो शेयर की उसके लिंक को एक जगह नोट करके ड्राइव में रखिए, अगली बार वो सब काम आए। ऐसा नहीं कि आज शेयर किया फिर भूल गया यार पता नहीं क्या शेयर किया। सर अपनी गूगल ड्राइव को अच्छे से यूज कीजिए, गूगल ड्राइव में उस लिंक का एक पेज बना लीजिए और वहां डॉक्यूमेंट में उसको शेयर की और वहां पर उसको कंपाइल करके रखें, ताकि अगली बार कभी हो तो यू विल हैव टू जस्ट हैव टू गो थ्रू कि हाँ 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 मुझे मैंने ये किया था, आई कैन शेयर इट अगेन। 15 GB का डेटा होता है सर, लिंक दीजिए ना। मैं डाटा नहीं कह रहा हूँ, YouTube का मैंने वीडियो नहीं डालना है उसमें, मैंने एक वर्ड की फाइल में YouTube का लिंक पेस्ट करना है, ठीक है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा था वीडियो डालो उसमें, मैं कह रहा हूं उस सोर्स का URL, वो लिंक वो वहां पेस्ट कर लो और वो लिख दो कि भाई ये किससे रिलेटेड है, ठीक है ना? इन दैट वे आपका स्पेस भी बचेगा, हमें तो लिंक शेयर करनी है ना, बस क्या इश्यू। इन दैट वे वी कैन डू, तो बट आई मीन टू से बी स्मार्ट इन यूजिंग द थिंग्स। However, जब आप मूक के बिजनेस में आते हैं, मेरे को तो खैर 200 GB का मैंने परचेस कर रखा है गूगल का, तो मेरे पे जो स्पेस मेरी स्पेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, तो यू कैन बाय, वो भी कोई बहुत महंगा नहीं होता, 5-6 हज़ार रुपए में जो है आपको मेरे ख्याल से 5 ID आप लिंक कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, अगर आपको इफ यू आर इंटरेस्टेड गूगल से डायरेक्ट पे, गूगल वन से आप बाय भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, बट 15 GB बहुत है अपने नॉर्मल काम के लिए। सब्सक्रिप्शन होता है गूगल वन का, वन ईयर सब्सक्रिप्शन होता है, वो 200 GB है 300 जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। हमारे को उतने में काम चल जाता तो हमने उतना लिया, अगली बार और चलेगा तो शायद और लेंगे। 200 GB है कि 100 GB है, डोंट रिमेंबर। हाँ एग्जैक्टली, गूगल वन में 5-6 हज़ार का सब्सक्रिप्शन है। क्यों लोग 100 GB तो फिलहाल हमारा काम चल रहा है 100 GB। बाकी और मैं बताऊं कि जो अगर आप मूक डेवलप करते हैं तो हमें गूगल सूट आईडी मिलती है, जो कि बिजनेस आईडी है गूगल की, वो अनलिमिटेड स्पेस है मेरे पास। जो मेरे को गूगल आईडी मिलती है ना कोर्स की, मेरे पे 2 ID है, ये कोर्स के एडमिन की आईडी में अनलिमिटेड स्पेस होता है मेरे पास, वो बिजनेस आईडी है गूगल की जो गूगल के साथ टाई अप है, तो बिजनेस आईडी मिलती है हमको स्वयं के थ्रू मिलती है, कोर्स कोऑर्डिनेटर को बाय डिफॉल्ट मिलती है, मतलब वही मेरी एडमिन आईडी है जिसमें मैं कोर्स को लॉन्च कर रहा हूं, मेरी ड्राइव भी वही है, कोर्स की ड्राइव भी वही है, उसमें अनलिमिटेड स्पेस है मेरे पास। मूडल में तो सर पैसा लगेगा, मॉडल तो पैसा लेता है आपका, आप मेरे ख्याल से 200 MB तक ही फ्री है, इनफैक्ट खाली लिंक डाल सकते हैं आप उसमें। हाँ अगर आपको ज्यादा चाहिए तो यू विल हैव टू पे, पर यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, ये भी पेड है सर, इसके लिए गवर्नमेंट पे कर रही है एक्चुअली। हाँ तो इतना बिल्कुल गवर्नमेंट इज पेइंग फॉर दैट, ऐसा नहीं आपको फ्री तो वो दे रहे हैं वो, क्योंकि उनका काम है, चार्टर्ड काम है, अदरवाइज वो पेड है। आप गूगल की रेट देखिए जरा, गूगल की बिजनेस ड्राइव को लेने का वो आपके रीच में नहीं है, तो इंडिविजुअल वी आर हैविंग, हम उसको फायदा उठाते हैं उस चीज का गूगल में। तो अभी कॉल ओपन रहती है 24 जो है आपको 24 hours 12 months आपकी पूरी कॉल रहती है, मूक के प्रपोजल की कॉल ओपन होती है, आप कभी भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई पर्टिकुलर डे है टाइम है, तो यू कैन प्रपोजल्स अवर माय लेटर रिसोर्स पर्सन विल बी कवरिंग ऑल्सो कि कैसे प्रपोजल बनाएं और उन प्रपोजल में क्या करना चाहिए, दैट वे एंड दैट दिस इज द वे, दैट्स व्हाई वी हैव प्लान दिस वर्कशॉप, वी हैव वी एक्चुअली आई प्लान द वर्कशॉप इन द वे रादर
ma'am allowed me to choose and pick and choose the resource person for this workshop and the workshop. So indirectly we are doing the things that what should you know. हमने उस तरह से प्लान किया है कि एक्चुअल जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को मैक्सिमम एक्सपोज कर सके हम आपको सामने, कि वो उनका एक्सपोजर आपको मिले कि भाई कि वो किस तरह कर पाए, किस तरह आपको रियल टाइम मिले चीजों का. क्योंकि ऐसे लोग बोले जिनको ने एक्चुअल काम नहीं किया, उससे बेहतर है कि जो लोग वाकई काम कर चुके हैं वो करेंगे काम को, दैट वुड बी बेटर. तो इट इज अवर मोटिव बिहाइंड दैट. सो मोस्ट प्रॉब्ली बल्कि प्रोडक्शन से भी हमारे पास जो है रक्षक जैन जी आएंगे जल्दी, जो एमआरसी से आए हैं, तो वो मास कम्युनिकेशन वाले हैं और सीनियर प्रोड्यूसर हैं. ही विल आल्सो टेल यू हिज एक्सपीरियंस एज ए पार्ट ऑफ कि मीडिया पर्सन क्या एक्सपेक्टेशन है टीचर से, कि वो कैसे अच्छा डिलीवर करें, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो यू कैन आस्क एनी पीपल, जो भी लोग हैं उनके फील्ड से रिलेटेड. जैसे अब आप टीचिंग से रिलेटेड आप जैन से आपको पूछेंगे तो वो आपको उतना नहीं बताएंगे. तो बेटर है कि आप उनसे ये चीज क्वेश्चन पुटअप करें कि भाई सर हमें कैमरे के सामने कैसे दिखना चाहिए, कैमरे के सामने हमें क्या कहना चाहिए, व्हाट शुड बी अवर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या हुई, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डू. आई विल शेयर सम ऑफ द बुक्स जो ई कंटेंट बुक्स है और कुछ ऑफिशियल गैजेट्स है, मैं आपके साथ ईमेल में शेयर करूंगा, विच विल बी यूजफुल फॉर यू. मुझे लगा कि एक साथ वो बताना कोई औचित्यपूर्ण नहीं है. यू जस्ट गो थ्रू दैट कि क्या गाइडलाइन है, क्या स्वयं की गाइडलाइंस हैं, और हालांकि अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल, बट दो आई विल लेट यू नो. इसके अलावा हाँ, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग CUL.org, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग में अंडरस्टैंडिंग ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज करके एक फ्री कोर्स है, CUL.org, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग. उसमें एक फ्री ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है जिसमें सर्टिफिकेट भी जनरेट होता है. ठीक है, तो वट यू कैन डू, और उसका टोटल टेन्योर है 3 आवर्स. मतलब आप डिफरेंट सेटिंग में भी कर सकते हैं एंड एक सिटिंग में भी कर सकते हैं. 3 आवर्स बाद जैसे आप क्वेश्चन वगैरह उसके रिपीट करते हैं, बार बार चांस भी देता है आपको, ऐसा नहीं. अच्छा. नहीं तो अगर आपका स्कोर होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का जो डिपार्टमेंट है उससे अपना ऑटोमेटिक आपके नाम का वो सर्टिफिकेट जनरेट होता है. एंड यू विल गेट लॉट मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स अबाउट ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. कोर्स का नाम है अंडरस्टैंडिंग ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, CUL.org. सो दिस यू कैन डू. Each module is having 10 marks in 4 quadrants. 40 module बनाए तो सीधे सीधे आपके वो. उसके अलावा course coordinator होने के आपको 40 points सीधे extra मिलते हैं, 40 points course coordinator. और अगर आपने खाली content लिखा है एक quadrant है तो 5 points मिलता है. मतलब कई बार ऐसा होता है team में content कुछ और लिखता है, present कोई और करता है, तो अगर सिंगल क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं आप तो 5 पॉइंट्स, अगर चार क्वाड्रेंट में आपने पूरा का पूरा आपने बनाया है तो 10 पॉइंट्स विल बी देयर. देखिए जो ई कंटेंट के जो पॉइंट है जो गवर्नमेंट देती है, इट इज ओनली फॉर द स्वयं, स्वयं के अलावा किसी का क्रेडिट नहीं मिलता है. गूगल क्लासरूम स्लाइड शेयर को, क्योंकि सर वो पीयर रिव्यूड नहीं है ना, समझे आप, साइड शेयर में तो कोई भी डाल देगा. लेकिन यहाँ जो डलता है ना, जो कंटेंट भी होता है वो पीयर रिव्यूड होता है, दो एक्सपर्ट से पीयर रिव्यू होता है तभी आपका वहां जाएगा. आप क्या सोचते हैं कि आपको कोर्स मिल गया आप कुछ भी लिख दोगे? सर आप लिखोगे, इवेल्युएट कराओगे, पीयर रिव्यू, उसकी प्लेगरिज्म की रिपोर्ट जाएगी, प्लेगरिज्म जो है 10% से कम होना चाहिए एक एक मॉड्यूल का, तब वो जाके अपलोड होता है या अप्रूव होता है, अदरवाइज नहीं होता है. मतलब आपके हर एक मॉड्यूल में, हर एक उसमें 40 मॉड्यूल बनाए, दे आर इक्वल टू 40 पेपर समझ लीजिए, जिसमें कि आपको मिनिमम क्राइटेरिया बताओ 3000 वर्ड्स का क्राइटेरिया है. एटलीस्ट 10 पेज का कंटेंट, रिटर्न कंटेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 10 पेज का रिटर्न कंटेंट होना चाहिए, 3000 to 8000 कंटेंट हर मॉड्यूल का. सर दैट शुड बी प्लैगरिज्म फ्री, दैट शुड बी पीयर रिव्यू. तो मैं कह रहा हूं हर एक पॉइंट में वो है, जब आप आगे जाएंगे तो आपको हर एक चैलेंज दिखेंगे. और उनसे गलती नहीं भी, उनसे ऐसे कोर्स कोऑर्डिनेटर गलती भी. ऐसा जी मैंने आपको क्या बताया, आप अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार है. कोर्स कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है कि लोडिंग से पहले अगर उसने ज्यादा वो लिए हैं, एक एक को रिव्यू करें कहीं गलती हुई है नहीं हुई है. तो यही तो हुआ सर, वो रीरन के लिए अलाउ नहीं हुआ हमारा कोर्स. एक बार तो रन हो गया क्योंकि अर्पित सर अभी अभी लॉन्च हुआ था ना, तो अभी तो उनका यार अभी नंबर आया, गवर्नमेंट ने कहा चलो चलो कर रहे हैं तो करने दो इनको, ठीक है अपलोड करो जल्दी जल्दी में, वो सारी चीजें
वो जल्दी जल्दी की चीज में कबाड़ हो गया वो। कई यही नहीं, कई लोगों को जिनको पता ही नहीं था कोर्स कैसे बनना है, उनके साथ जो है आप यकीन नहीं करेंगे कि वो कोर्स रीरन के लिए अलाउ ही नहीं हुआ। अब वो रीरन में हो ही नहीं रहे, ओनली सेलेक्टेड कोर्सेज जो कि थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड पाए गए रिफ्रेशर कोर्सेज में, वही जो है रिपीट हुए हैं, मतलब रीरन किया जा रहा है, अदरवाइज रीरन नहीं हुआ। अब यहां बोला गया है हमको भी कि ढंग से बनाइए तब कीजिए तब लाइएगा। एक्चुअली इसकी एकेडमिक काउंसिल बननी थी सर, एक्चुअली हुआ क्या कि वो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, एकेडमिक काउंसिल की जिम्मेदारी थी उसको करना, क्योंकि हम जिम्मेदारी से अगर वो करेंगे तो उसकी, मैंने कहा ना जिम्मेदारी आपकी है, क्रेडिट हो डिसक्रेडिट हो, सर डिसक्रेडिट उसने नहीं किया पर जिम्मेदारी मेरी थी उसको चेक करके आगे आगे भेजना उस एकेडमिक काउंसिल की, उनकी हर एक अर्पित कोर्स की एकेडमिक काउंसिल होती है, ठीक है, उन्होंने चेक नहीं किया उसको और सीधे अपलोड कर दिया, वो गलती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत टिपिकल चीज है, एक एक वीडियो को एक एक सेकंड तक देखना। हम पता क्या टाइमिंग करते हैं कि 3.014 में जो है ये गलती है, 3.014 से 3.018 तक ये गलती, यहाँ ही कट होना है, मीडिया वाले जानते हैं अच्छी तरीके से, एक एक चीज सेकंड वाइज सेकंड इंस्ट्रक्शन देने होते हैं उनको। यानी भाई 20 घंटे का आपने कुछ बनाया तो 20 घंटे तो लगेंगे ना उसको देखने के सर। सर चेक दे, सिंपल सा मैथमेटिक्स, इसमें कोई मैथमेटिक्स तो नहीं है ना सर, आप अवॉइड नहीं कर सकते चीज को, और बैठ के खाली पिक्चर की तरह नहीं देखना, आपको क्रिटिक होके देखना है क्या गलत है, वो हॉट टिपिकल काम है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप गाने एंजॉय कर रहे हैं बैकग्राउंड पे और यहाँ आपका वो मीडिया चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, सारे काम छोड़ के बैठना पड़ता है आपको उस चीज। सर अगर हम ये अपना चैनल YouTube पे करें क्रिएट, क्योंकि स्वयं पे तो मुझे नहीं लगता सपोर्ट इतना मिल पाता है, क्योंकि इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट होता है सारा ये, तो YouTube पे वहां पे वो डिटेल मांगता है बैंकिंग डिटेल, मीन उसमें जैसे तो मांगता सर, जैसे इसमें ऐड चलते हैं तो ऐड चलने का उसके बाद थोड़ी बहुत अर्निंग होती है वो भेजते हैं सर, तो एडसेंस पे जाने के बाद सर अभी सर वो यूजर जो है जब आपके जो है सब्सक्रिप्शन में चैनल जो है हजारों होते हैं तभी होता है सर, उससे पहले कुछ नहीं होता। बैंक डिटेल तो बहुत बात की बात है, पहले तो आप करिए ना चैनल कुछ भी कर सकते हैं अपना, तो वहां तो यू आर फ्री बट यू वोंट गेट एनी क्रेडिट फॉर दैट, यू वोंट गेट एनी क्रेडिट फॉर दैट इन योर एपीआई एंड ऑल दैट। हां दिस इज गुड फॉर योर अल्टीमेटली, दिस इज गुड फॉर योर पब्लिक अपीयरेंस, दैट्स गुड टू यू एंड द यूट्यूब चैनल, ठीक है आप करिए, मैं वो नहीं कहता, बहुत अच्छी बात है अपने साथ कीजिए, पर ये है कि हाँ उनको जो कंटेंट आप रख रहे हैं उनमें लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन रखिएगा, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस मत रखिएगा कभी भी आप वीडियो बनाए। स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस इज बेसिकली एक कॉपीराइट ऑफ यूट्यूब, आप समझ नहीं रहे, जिस दिन वो चाहे उस दिन यूट्यूब आपका वो ले लेगा, मतलब आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस को पढ़ेगा कभी फुर्सत, एक्चुअली वो यूट्यूब का कॉपीराइट है सर, आप अपनी चीज उसको दे रहे हो, उससे बढ़िया वहां क्रिएटिव कॉमन का ऑप्शन आता है उसको क्लिक कीजिए ताकि वो अपना तो रहेगा, और कोई अगर लेगा भी तो आपको क्रेडिट तो देगा, बिना क्रेडिट के कुछ नहीं कर सकता हूं, तो ये जरूरी है, इस चीज में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हाँ यूट्यूब मैं नहीं कहता कोई अच्छी अच्छी बात है, आप शेयर कीजिए, ग्रुप बनाइए, हब्स बनाइए, यू कैन लर्न फॉर दैट, बट एज ए बिगनिंग यस वी ऑल्सो डिड दैट, हमारा ओपन नॉलेज करके वो है चैनल है जिसमें हम डालते रहते हैं चीजों को, वी डू इट उसमें, तो ओपन नॉलेज में हम चीजों को डालते रहते, हमने शुरू किया था काफी इस काम को करने से पहले ही चीजों को थोड़ा बहुत वहां पे करने, तो कुछ कुछ चीजें जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं इसमें, वी पुट दीज वीडियोस ऑन टू दैट पर्टिकुलर चैनल, जो कि वो भी क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के साथ, ताकि अगला उसको कुछ शेयर कर सकता है एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन दैट टू विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और कुछ बाकी आप देखिए इसमें जितना भी हो सकता है आपको आगे देखना है कि कितना हम कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि फैकल्टी मेंबर आगे आए, दे आर डाइंग फॉर, ऐसा नहीं है लोग मिल नहीं रहे हैं, मैं बता नहीं रहा हूं, और जो लोग मिल रहे हैं वो उनको एट पार नहीं मिल रहे हैं, कई बार 10-10, 50-50 प्रपोजल जाते हैं और एक भी अप्रूव नहीं होता, हाँ क्योंकि देखिए उनको पैसा देना है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, अगर वो गलत आदमी को पैसा देंगे यार गलत ढंग से बनेगा तो उसमें MHRD और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम खराब होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट के चैनल पे चीज चल रही है ना, वो भारत की इज्जत है, वो ग्लोबल लेवल पे चीजें आ रही हैं तो वो रिलेटेड है सर, तो उसमें आप अफसोस भी मत कीजिए, कहीं कभी कभी जब टर्न डाउन हो चीज तो कम बैक विद द रिविजन, कई बार वो रिविजन के लिए बोलते हैं कि हाँ रिवाइज कीजिए, यू डू डू द रिविजन ऑफ प्रपोजल्स। मैंने चार प्रपोजल भेजे थे, चार में से दो अप्रूव है, दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेटर नेशनल कोऑर्डिनेटर, दो में से नहीं हुए, कईयों के नहीं होते, तो ये तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा तो करना पड़ेगा, और
इसमें आपके एफर्ट बहुत लगते हैं, तो बेटर ये है कि आप टीम के साथ काम करें, जितना हो सके एक बड़ी टीम हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इंडिविजुअल, क्योंकि अब तो सीईसी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग, अब यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई फंड नहीं आएंगे मूव के, किसी को पैसा नहीं आएगा, अब जो है ईएमआरसी जो नियरेस्ट एजुकेशनल मीडिया रिसोर्स सेंटर है वहीं पैसा आएगा, और आपको बनाने का जो भी मानदेय होगा, जो भी होगा डेवलपमेंट का, वो इंडिविजुअल आपको मिलेगा, तो यूनिवर्सिटी में कुछ वन टाइम नहीं होता, मेरे को अभी जो बनाया था उसी का पैसा नहीं मिला। इट्स ए टिपिकल थिंग, कैट छोड़िए, टीम वर्क इन द सेंस कि देखिए कंटेंट राइटर आपके पास अलग हो जाए, प्रेजेंटेशन के लिए दो तीन लोग हो जाए, अगर एक पूरा कोर्स अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, और बाकी तो उनकी टीम तो है ही प्रोडक्शन की, वो तो हेल्प करेगी आपको, बट आई मीन टू से यहाँ स्लाइड किसने बनानी है, स्लाइड का जो इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग का वर्क है वो किसने करना है, ये सारी चीज तो हमें देखनी पड़ेगी। कंटेंट राइटिंग आपकी जिम्मेदारी है, प्रेजेंटेशन आपकी जिम्मेदारी है, तो वो टीम हमें चाहिए मेजर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना हम नहीं कर पाएंगे इन चीजें। तो टाइमिंग आप, क्योंकि वो यूजीसी जो था, यूजीसी चला गया जो एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर, अब वो सीईसी के पास आ गया है, जो कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशन कम्युनिकेशन है, उसके पास आने से ये होगा कि एएमआरसी जाके ही आपको वो है डेवलप करनी होगी, और हमारे यहाँ नियरेस्ट एएमआरसी इज रोड की ना, 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 बहुत जगह है, सब जगह, हर जगह, आप देखिए मैं तो अपने यहाँ का बता रहा हूँ, अच्छा, आपके सब काफी लगभग हर स्टेट में एक ही एएमआरसी जरूर है, कई स्टेट में दो दो तीन तीन है, चार चार है, जैसे मैं बताऊँ इंदौर, इंदौर, बैंगलोर, भोपाल, दिल्ली, मेजर सिटीज में सब जगह है, मेजर सिटीज में सब जगह है, मेरे ख्याल से बनारस में भी है, इलाहाबाद में भी है, यूनिवर्सिटीज में आपको दिखा, एएमआरसी डालेगा आप लिस्ट ऑफ एएमआरसी डालेंगे, यू विल गेट द एंटायर एएमआरसी की लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू आर फ्री टू आस्क एट एनी टाइम। एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर, ये कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये यूजीसी का कंसोर्शियम है, सीईसी, सीईसी.ओआरजी में चलते, कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, आप अब यूजीसी नहीं है, अभी चेंज हुआ है रिसेंटली, तो नॉन टेक्निकल कोर्स जो भी हम डिजाइन करना चाहते हैं बेसिक साइंस या अप्लाइड साइंस के, उनके लिए सीईसी इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर, और जो प्रस्ताव आपको बनाना है, द प्रपोजल विच यू हैव टू मेक, यू हैव टू पुट सीईसी ओनली, और सीईसी की वेबसाइट में एक प्रपोजल का फॉर्म है, वो ही आपको बनना है, एक बार देखिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वो डिस्कस करेंगे कोई नेशनल, जो नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन जब भी आएंगे आपके, तो कमिंग में वो आपको बताएंगे कि आपको भरना कैसे है और क्या चीज एम्फेसिस करने की है, भरना देखिए सबको आता है, सबको पढ़ना आता है, लेकिन हम ये आपको ये बताएंगे हमारे रिसोर्स पर्सन कि क्या चीज है जिसको फोकस करना है, जिससे वो मिल सकता है, क्या चीज नहीं करनी, दो तीन चीज, बाकी तो स्टैंडर्ड चीज जो अवेलेबल है वो तो आप लिखेंगे, पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जिस पे ध्यान देना, तो थैंक यू। सो स्वीट, थैंक यू सो मच सर फॉर एन इंफॉर्मेटिव एंड वेरी डायनेमिक लेक्चर, एंड का सर क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एफडीसी से आपने कुछ सीखा था और उसको इम्प्लीमेंट किया? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो आप ये सोचिए कि ये एक मॉडल है, रोल मॉडल आज के दिन में, और एफडीसी से इन्होंने पहला ट्रेनिंग लिया था लगभग दो ढाई साल पहले, हाँ दो साल, लगभग दो साल में इन्होंने अपना कितना ग्रूमिंग किया और कितना कुछ सोसाइटी को दिया, तो आप लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है कि आप भी एफडीसी से सीख करके इस तरह का काम आप लोग भी कर सकते हैं कि आप भी रोल मॉडल बने, तो एक बार जोरदार तालियां सर के लिए मैं चाहूंगी, और थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ, और हमारा एक परंपरा है कि हम एक स्मृति चिन्ह अपने रिसोर्स पर्सन को देते हैं, तो सर प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी।
बस ये एक दो लाइन इसलिए कह रही हूँ आप लोगों से क्योंकि आप ये देखिए कि जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है कि एफडीसी से ही ग्रूम होकर के यहाँ से सीख करके और नेशनल और फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से इन्होंने अपने आप को भी एस्टेब्लिश किया उस फील्ड में और ओईआर के फील्ड में जिस तरह के काम होने चाहिए वो भी इन्होंने करके दिखाए। तो आप लोगों में से भी हर कोई अजय सिमल्टी डॉक्टर अजय सिमल्टी हो सकते हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोग भी इनके नक्शे कदम पे चलें और अपना एक बहुत ही शानदार जानदार स्थान बनाएं सोसाइटी में। तो थैंक यू सो मच टू अटेंड अस। नहीं कोई अजीब नहीं लगेगा।